सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, क्या हालचाल सभी के। दिस इज आयन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइटल तो आप सभी को पता होगा कि क्या है। तो मैं कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता चला कि यमुनानगर में वर्ल्ड का बिगेस्ट अशोक चक्र है। तो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो देखने के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फ्रेंड्स आएंगे तो उनके साथ जाने वाला हूँ मैं, तो बहुत मस्ती करेंगे, तो वो देखेंगे कितनी हाइट है उसकी। तो व्लॉग का तो शुरू कर ही दिया है, तो मैं फटाफट मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो अभी तो हम तीन आए हैं बाइक पे, अभी चौथा ये आ रहा है और अभी एक और दोस्त के घर जाना है। ये एक्टिवा लेके आएगा। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, गांव की लाइफ अलग ही है। चारों तरफ इसके घर के पास खेत ही खेत है। गांव की लाइफ मज्जानी लाइफ है, मज्जानी लाइफ बोल ले अपने, बोल ले। शर्माता क्यों यार, शर्माता यार इतना। तो अभी हम चार हो गया है, निखिल हमारी क्लास का। हेलो बोलना, बोलना पड़ेगा। अभी एक दोस्त को और लेने जाना है, उसका घर थोड़ा सा आगे है। निखिल भाई का घर है ये वाला, खेत भी इसी के हैं। सारे जान तक नजर जा रही है ना, है निखिल। बस कभी कमेंट नहीं किया। चल अब पहले अभी अभी एक हमारी क्लास। जादू तेरी नजर सारे टच हो रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं, और ये पार्क जैसा बना हुआ है यहाँ पे, कुछ एक्सरसाइज करने की मशीन्स वगैरह है यहाँ पे। और पार्क जैसे नहीं भाई, पार्क है भाई, ये पार्क ही है, पार्क ही है। तुम मेरे ब्लॉग में मेरी बजाओगे, पार्क ही है। और अशोक चक्र हो रहा, तो अभी वहाँ पे जाते हैं और बनाते हैं। अभी हम पांच आए हैं और हमारी क्लास में थे टोटल सात, बाकी दो नहीं आए, पर कोई ना, हम पांच आए हैं तो पूरा घूम घाम के जाएंगे। क्यों भाई, पाँच ही, पाँच ही बहुत है। तो अब ये रहा अशोक चक्र और ये रहे अपने दोस्त, और ये रहा अशोक चक्र। काफ़ी बड़ा है, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो अभी इसके हाइपर लैप शूट करूँगा मैं, और अभी ये मस्ती कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा था कि ये चीज़ सीमेंट की बनी होगी, पर ये चीज़ लोहे की बनी हुई है, और जंग भी लगने लग गया बीच बीच में, पर बढ़िया लग रहा है। दूर से तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, पर दूर से जो आएगा ना देखने के लिए, उसे तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। और यहाँ पे पार्क है, पूरा पार्क के बीच में बना हुआ है, और ज़्यादा कोई तो है नहीं इस टाइम पे, और वैसे भी ज़्यादा कोई होता नहीं है। जाके दिखाता हूँ, कलर देखो यार, कलर तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, कैमरे में तो अलग ही आ रहा है इसका कलर। और तो अगर कोई गूगल पर सर्च करेगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अशोक चक्र, तो ये वाले अशोक चक्र का नाम आएगा टोपरा, यमुनानगर का नाम। मेरे को पता नहीं था, पर आज देख लिया, ये काफ़ी सही है। और ज़्यादा कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बस हम चार और एक एक दो बंदे और बैठे हैं, और अभी अभी गए एक दो बंदे। तो बंदे भी आ गए हैं देखो पीछे, और ऊपर भी फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ, जो वर्ल्ड बिगेस्ट है ना, मतलब इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है कि क्या क्या था, क्या क्या किस किसने बनाया है। ये क्या है, अभी यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे चलते हैं। वैसे पीछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हो देखो सीधा सही दिख रहा है, ऐसा लगा कुछ पोल सा खड़ा है, ऐसा लग रहा है ना पीछे, देखिए यहाँ पे वो देख, सीधा पोल सा लग रहा है। यहाँ पे खेलते हैं और थोड़ी देर दोस्तों के साथ मजे मुझे करके फिर घर चलेंगे आराम से। इसका घर इसी एरिया में है, पर अपना तो ज़्यादा दूर है, अपना 10-12-13 किलोमीटर दूर है, पर इसका तो यहीं पर ही है पास में। ये वाली किस तरह करते हैं ऐसे, इसकी हाइट छोटी है, अरे मैं छोटा पड़ रहा हूँ। कर रहा है क्या इसमें, इसमें बैलेंस नहीं बनता ना, पार्क ही है वैसे ये अशोक चक्र तो बना दिया बस, ये पूरा बन नहीं रखा ना शायद, अशोक चक्र तो पूरा बन गया, बस उस साइड थोड़ा सा काम रहता है वहाँ पे, पर वर्ल्ड के उसमें नाम आ रखा है ना कि वर्ल्ड बिगेस्ट, तो प्राउड की बात है, हमें प्राउड करना चाहिए। अभी हम सारे खड़े हो गए ना, जय हिंद करके बोला, गाना लगाए, फीलिंग ऑफ प्राउड है वे? लव इसे ऐसी ऐसी और हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करें तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई, ऐसी ऐसी जगह घूमने में। मेरे को तो भाई ट्रैवल करने में बहुत ही ज्यादा पसंद है। oh,
निखिल भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप फोन में? बंद क्यों कर दिया हमारे आते ही? ब्राउज़र चल रहा था वो। बंद क्यों कर दिया हमारे आते ही? ये स्माइल से पता चल रहा है, क्या क्या कर रहे थे आप? नथिंग। नहीं बताओ आप, बताओ आपने फोन क्यों बंद कर दिया हमारे आते ही? मजाक कर रहा है यार। हरामी तो ये है, ये वाले ये तीन है हरामी। क्या कर वहाँ वहाँ तक दूर दूर तक कुछ नहीं है, वो सारे खेत ही खेत है बस। शमशान घाट है और ये सारे खेत ही खेत है। यहाँ बैठने की जगह बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी। यहाँ पे झूले लगा रखे हैं और बाकी सारा खाली है। उधर से एंट्री है और ये बीच में अशोक चक्र है। रोड से जो भी जाएगा ना उसे दूर से ही चमकता दिख जाएगा गोल्ड कलर का। अभी एक दो फोटोज और खींचते हैं खड़े होके। तो पहले यहाँ पे रखते हैं ऐसे। चल आजा वीडियो में आवागा। क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस आजा भाई, अभी आजा शर्मा ना आजा। क्या नाम है आपका? मिक्सम। तो ये छोटे भाई कह रहे थे वीडियो में आने के लिए, तो मैंने ले लिया। वैसे पता है कई बूढ़े यूट्यूबर भी ऐसे कर सकते हैं। तो पता क्या, अगर कोई बंदा मिल गया ना 10-20 रुपए देके, ऐसा साइड से आइयो, बोलियो फैन भैया मैं आपका, भैया भैया मैं आपका फैन हूँ। कोई फैन नहीं है अपना, अपना कोई फैन नहीं है भाई। भाई यार अपने फैन नहीं है, ठीक है हेलम ला रहे छोटे भाई हैं अपने। कौन सी क्लास में है? तू साथी। चल बढ़िया, पढ़ाई करो बढ़िया भाई। स्कूल में पढ़े जो भी है, कहीं भाई सरकारी स्कूल वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, जरूरी नहीं मतलब। पूरी वीडियो बना ली हमने, एक घंटा हो गया, एक या डेढ़ घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए। तो अब बस कुछ खाने के लिए जाते हैं और बस जितनी मस्ती करनी थी कर ली। वैसे यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए। शिमला देना, शिमला जाने को कह रहे हैं। इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं भाई शिमला जाने के। पर बापू रेलवे में कितने इसके 20 किलो यहाँ पर जो भी देखना था हमें। तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं और अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। अभी कुछ खाने के लिए निकलते हैं। भरा पीछे भरा, बाय बाय। बस अब हम जा रहे हैं। बाइक इसने ले ली, एक्टिवा हमें पकड़ा दी, एक्सचेंज ऑफर कर लिया इन्होंने। कर रहा है देख, इस भाई से पैसे ले रहा। तेरे पास नहीं है पैसे? यूट्यूब से नहीं आते पैसे? कहाँ गए यूट्यूब के पैसे? ये भाई समोसे लेने जा रहा देख। अब हम निखिल के आए हैं, ये यहाँ पे इसके एक शटर सा है, तो यहाँ पे हम बैठ के आराम से खा सकते हैं मंजे पे। गांव वाले खाट वाट है यहाँ, साथ में मंजे भी हैं। गाय खड़ी, वो गाय खड़ी है उधर। समोसे लेके आए हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और माजा लेके आए हैं और बस ज़्यादा कुछ नहीं। और कुरकुरे लेके आए, तो भूख लग रही है अब काफ़ी, तो अब आराम से बैठ के खाएंगे। तो बस हमने जितना ब्लॉग बनाना था आज बना लिया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।